जिन लोगों के एक या एक से भी कम निल ओके रीडिंग है, फिर हम उसके पड़ोसियों का देखेंगे, क्योंकि जिस इलाके में रहता है, मान लो 100 गज के मकान है, 50 गज के मकान है, 25 गज के मकान है, 300 गज के मकान है, तो उस एरिया में जितने हमारे पास तो जल बोर्ड का सारा डेटा है, उस एरिया के जितने घर हैं उसी किस्म के, उनका एवरेज निकाल के, उनकी जितनी भी ओके रीडिंग होगी उनका एवरेज निकाल के उस हिसाब से फिर उसका पानी का बिल बना दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारे 11.7 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हम लोग बिल बनाएंगे। ये करके हमने जब अपने कंप्यूटर पे रन किया तो इससे 11.7 लाख कंज्यूमर्स में से 7 लाख कंज्यूमर्स के बिल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो 20 किलोलीटर की जो हम फ्री वाली लिमिट है 20 के नीचे आ जाएंगे, वो आ रहे हैं, हमने करके दिखा दी, एक्सरसाइज करके देखी, तो लगभग 7 लाख कंज्यूमर्स के पुराने सारे बिल जीरो हो जाएंगे, वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। 1.5 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके 20 से 30 किलोलीटर की कैटेगरी में आ रहे हैं और बाकी 30 के ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर है। सो मैं समझता हूं कि ये वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम जो है, इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इसमें अभी कई सारी वो हैं फॉर्मेलिटी, आज जल बोर्ड ने इसको क्लियर किया अपनी बोर्ड की मीटिंग में, अब ये कैबिनेट में आएगा और मैं समझता हूँ ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ये 1 अगस्त से हम इसको लागू कर देंगे। और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 3 महीने के लिए होगी, और अगर इन 3 महीनों में जो जो लोग अब इसके आने के बाद, मान लीजिए ये आपके पास अब नया बिल आएगा, नए बिल के हिसाब से आपका जितना पैसा बनता है अगर आप उसे पे कर दोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर पुराने वाले बिल आपके 3 महीने बाद आना चालू हो जाएंगे, फिर आप पुराना सारा बिल पे करना पड़ेगा, फिर आपको वन टाइम सेटलमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज देखने वाली है अब कि काफी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीजों की वजह से है। इनके ऊपर कई सारे अभी स्टेप्स चल रहे हैं, मैं अभी उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जब हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तब मैं जानकारी दूंगा। उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं कि अब ये गलत मीटर रीडिंग का जो सिलसिला है जल बोर्ड का, ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कई सारे स्टेप्स कर रहे हैं और हम आपको बाद में बताएंगे। इसके ऊपर अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप नहीं, आपको कोई जल बोर्ड जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पे नया बिल आ जाएगा अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद। लेमन का बिल कम आएगा, अभी जितना अभी जितना एरियर्स आ रहे थे उसका हो सकता है जीरो आ जाए, वो तो बहुत ही अच्छा है, फिर उसे कुछ करना ही नहीं है। और अगर उसका कम, बहुत कम आता है तो वो कम वाला बिल भर दे। अगस्त तक बिल नहीं भरे होगी? नहीं नहीं, जो बिल भर रहे हैं वो भरे, जो लोग बिल भर रहे हैं भरे, जिनके एरियर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं उनके एरियर्स, जो एरियर्स की वजह से दुखी हैं उनके जो 11.7 लाख, वो लोगों को इसका फायदा मिलेगा।